इसे मेरे साथ उम्मे हबीबा मौजूद है जिसकी उम्र 12 साल है और वो टिकटॉक और लाइकी पर 12 साल से कहीं ज्यादा फॉलोअर्स ले चुकी है और मंथली कितना कमाती है। किस एज में शुरू की थी वीडियोस बनाना? 7 साल या 6 साल की। नहीं मम्मा देती थी फोन तो ऐसे भी मैं वीडियो देखती रहती थी। कैसे कर लेती है वो चीजें, किस तरह से वो मेकअप और वो सारा गेटअप लाना? वो मम्मा करती है। मुझे बताओ कितने पैसे कमाए अभी तक? 1.5 लाख। लाइकी से कमाती हो? हाँ जी। आपको टास्क प्रॉपर दिए जाते हैं, वो टास्क कितने दिन में कम्प्लीट करना? एक दिन में भी नहीं, पूरे बस 2 घंटों में। अगर वो सारा गेटअप आपके पास ना मौजूद हो तो फिर आप टास्क से बाहर? कोशिश होती है कि उस तरह कर लो, चीजें नहीं है पर मेकअप उस तरह कर लो। तो कितने फॉलोअर्स होने जरूरी हैं? 15 या 10 मिलियन होने जरूरी है। टिकटॉकर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? एक्टिंग, उसके बाद आपका गेटअप। आप कुछ कर सकता है वो आपका टैलेंट है। आने वाले कल में क्या आप कहाँ पे देखती हो खुद को? मैं चाहती हूँ कि मैं ड्रामा करूँ या फिर कोई मैं मूवी बनाऊँ। इसे मेरे साथ उम्मे हबीबा मौजूद है जिसकी उम्र 12 साल है और वो टिकटॉक और लाइकी पर 12 साल से कहीं ज्यादा फॉलोअर्स ले चुकी है और मंथली कितना कमाती है। वो उम्मे हबीबा से पूछते हैं कि सिर्फ वीडियोज ही बनाने पर हाथ रखा हुआ है या पढ़ाई की तरफ भी कुछ ध्यान है? उम्मे हबीबा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताओ उम्मे हबीबा के किस एज में शुरू की थी वीडियोस बनाना? 7 साल या 6 साल की उम्र। 7 से 6 साल की उम्र में तो बच्चे सही तरह से मोबाइल भी नहीं पिक कर पाते, आपने वीडियोस बनानी शुरू कर दी? नहीं मम्मा देती थी फोन तो ऐसे भी मैं वीडियो देखती रहती थी, तो ऐसे कोई रैंडमली वीडियो आ गई तो मैंने सोचा कि मैं भी बनाऊँ। मैंने ऐसे ही किसी अजीब सी जगह पे फोन रखा, फिर भी काफी अच्छा बैकग्राउंड था मेरा, तो मैंने ऐसी वीडियो बना ली तो उस पर काफ़ी ज़्यादा लाइक्स आए तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। मैं ऐसे बनाती गई फिर मम्मा ने बनाना शुरू कर दी सिस्टर्स ने। अच्छा मुझे ये बताओ कि वीडियोस बनाती हो, फैमिली की सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आती हैं कि हमारे घर की बेटियाँ वीडियोज़ नहीं बनाएंगी, ना ही इस तरह से सामने नाच गाना करेंगी, आपके ऊपर नहीं आई? बिल्कुल भी नहीं। फैमिली में से किसी से भी नहीं, चाचू मामू ताया किसी की तरफ से भी नहीं? क्यों? मेरी फैमिली जो है कहती है और बनाओ, अच्छी चीज़ है, मतलब जो अच्छे तरीके से करती हो वो अच्छी चीज़ है, जो लड़कियां वैसे बुरी वीडियोस बनाती हैं वो नहीं बनाओ, फनी बनाती हो, हमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। टिकटॉक पे फेवरेट कौन है टिकटॉकर लड़कियों में? डोली का। ना करो बाकी में मैंने मार दियो। डोली फेवरेट है? मुझे सही डोली में मुझे वो पसंद है कि वो जो पार्लर यूज करती है, मतलब वो काफी ज्यादा उसके बाल उसके वो डिजाइन कपड़े मुझे काफी अच्छे लगते हैं। ये नहीं है कि फेस से नहीं, अब बात बदल रही हो आप। नहीं मुझे लगता है आपको उसके लिप्स पसंद है। बिल्कुल भी नहीं मुझे लगता है आपको उसके लिप्स पसंद। अच्छा डोली मैंने सुना बारबी बनके भी बड़ी प्यारी लगी है। नहीं नहीं लगी। अच्छा और लड़कों में कौन पसंद? मार्क्स। वो कौन है? वो यूट्यूबर है, वो टिकटॉक पे भी बनाता है। मां सफदर की बात कर रही हो आप? वो पसंद है आपको? शादी हो गई है ना उसकी तो? चलो उसका तो पत्ता कट गया हमारे में से। अच्छा मुझे ये बताओ कि इंस्पायर किसकी वीडियो से, कौन आपको लगता है कि यार ये वीडियो ये बंदा बहुत अच्छी बनाता है, इसकी वजह से जिस दिन वीडियो बन गई ना बस मैं नहीं पकड़ी जाऊंगी? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। डोली का नाम ना लेना अब। नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसी किसी की वीडियो आ जाती है उसको देख के बनाना बस। मतलब आप किसी को पसंद नहीं करती हो, बस खुद को जो अच्छा लगता है वो आप कर लेती हो। मैंने देखे आपकी फनी वीडियोस हैं और कुछ में तो आप बहुत ही वो बनी हुई हो, कहीं पर नूर जहां और कहीं पर वो जो इंडियन मूवी की वो जो भी है बार बार में गंगू भाई वो बन जाती हो, तो ये कहाँ से इतने स्किल्स निकाल रही हो? छोटी सी हो, छोटे पैकेट में इतने धमाके हैं आपके अंदर। सुना तो होगा छोटा पैकेट बड़ा दिमाग। आज देख भी लिया मैंने, मैंने एक बार पहले भी एक देखा था, आज मैं दूसरी बार देखा। कैसे कर लेती हो वो चीजें, किस तरह से वो मेकअप और वो सारा गेटअप लाना? वो मम्मा करती है, पुराने जमाने का करना तो उसको कैरी करना भी बड़ी बात है ना, इतनी बड़ी बिंदिया साड़ी झूमर वो सारी चीजों को कैरी करना भी मुश्किल होता है। वीडियो बनाने के लिए बस ठीक है, बाद में हाय 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 होता है। बाद में हाय हाय हो रही होती। पढ़ाई में कैसी? बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छी हो मतलब कितनी अच्छी? टॉपर हो? हाँ जी। नहीं इतना भी नहीं कह सकते कि टॉपर हूँ, क्योंकि वो टॉपर होते हैं जो पढ़ाकू कीड़े होते हैं। आप वो नहीं हो, आपने साथ वीडियोस को भी टाइम देना होता है। आने वाले कल में क्या आप कहाँ पर देखती हो खुद को? मैं चाहती हूँ कि मैं ड्रामा करूँ या फिर कोई मैं मूवी बनाऊँ, मूवी में आऊँ, मैं ऐसे मैं चाहती हूँ कि टीवी पे आऊँ। और फ्यूचर में एक्टिंग में ही आने का शौक है? एक्टिंग में ही आने का शौक है। मुझे बताओ कितने पैसे कमाए अभी तक? 1.5 लाख मंथली कमाती हो? लाइकी से कमाती हो? हाँ जी। आपको टास्क प्रॉपर दिए जाते हैं, वो टास्क कितने दिन में कंप्लीट करना होता है? एक दिन में भी नहीं, पूरे बस 2 घंटों में।
अच्छा, टास्क मिला है, अगर वो सारा गेटअप आपके पास ना मौजूद हो तो फिर आप टास्क से बाहर हो? नहीं, फिर भी होते हो आप? कोशिश होती है कि उस तरह कर लो, बस चीजें नहीं है पर मेकअप उस तरह कर लो तो फिर हो जाता है। तो पेमेंट वगैरह टाइम पर देते हैं ये लाइकी वाले? कभी हो जाता है, एक दो दिन तक। कितने फॉलोअर्स होने जरूरी हैं आपको इन चीजों से, इन ऐप से कमाने के लिए? टिकटॉक पे ज्यादा होने के लिए जरूरी है तकरीबन 15 या 10 मिलियन होने जरूरी है। पीआर जाती है? हाँ जी। पीआर पैकेज आते हैं? नहीं। क्यों पता नहीं, शौक है कि आए आपको? हाँ शौक है ना, बाकी लोगों को तो बहुत आते हैं, आपको क्यों नहीं आते? देख ले बच्ची का चेहरा ध्यान से, आज के बाद इसको पीआर आनी चाहिए। कह दिया मैंने, मुझे भी नहीं आते हैं। आपको आ जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप फैमिली भी सपोर्ट करती है, आपके वीडियोस को एडिट कौन करता है? इतनी प्यारी वो पीछे बैकग्राउंड में जो एडिटिंग सारी होती है वो कौन कर रहा होता है? मेरी वैसे सिस्टर करती हैं, अगर वो जॉब पर जाती है तो मेरी मम्मा को सिखाया है, तो वो उनकी कोशिश होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छा करें। टिकटॉकर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? एक्टिंग। उसके बाद आपका गेटअप। मैंने सुना है कि जिनके पास आईफोन नहीं है वो टिकटॉकर बन ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है ना, ज़रा दो के जवाब देना आईफोन वालों, देना ही ज़रा। ऐसी बात नहीं है कि आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ आईफोन वाले ही जो हैं वो कुछ कर सकते हैं, जैसे कि कोई छोटा फ़ोन भी है ना, इतना भी छोटा नहीं, जो भी है ना वो बहुत कुछ कर सकता है, मतलब आगे कुछ कर सकता है, वो आपका टैलेंट है। मतलब टिकटॉक के लिए आईफोन की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे फ़ोन पे भी फेमस हो सकते हो।